जी बेटा, आपका तो बहुत हक है, आपको इतनी मिसालें मैंने आपको दी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम अपना सुबह उठते हैं, हम अपना एक गोल बनाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज गोल बनाया कि मुझे समर वेकेशन वर्क मिला है, मैंने इस्लामाबाद का फिनिश करना, और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, हम डीमोटिवेट नहीं होते और हमें कुछ मसला भी नहीं होता, बट हम वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो काम जो है कल के ऊपर। इसको टेक्निकली प्रोकास्टिनेशन कहते हैं ना, प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। हाँ, तो हम ऐसी क्या टेक्निक्स यूज करें कि हम उस काम के ऊपर सस्टेनेबल हो जाए और हम वो काम फिनिश करें और अगले दिन नया काम शुरू करें। ठीक है, बैठिए, मैं आपको कहता हूँ खड़े हो जाए। अब आप खड़ी होने में कामयाब कैसे हो गई? क्योंकि आप खड़ी हो गई। ठीक है ना, अब आप एक काम करना चाहती हैं, बैठ जाइए, थैंक यू। आप एक काम करना चाहती हैं तो आप वो काम नहीं कर रही, तो सीधा जवाब ये कि तू करना शुरू कर दें। अच्छा, अब असल प्रॉब्लम ये है कि दिल नहीं मानता, वो नहीं करता। उसके लिए मैं आपको ना एक मिसाल देता हूं। हमारा दिल जो है वो डिपेंडेंट होता है हमारे हैबिट पैटर्न के साथ, और हैबिट पैटर्न का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में किस किस्म की आदत बनी हुई है। ये सारी जो है ना आदत बनी हुई आदतें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आदतें हैं जो हमारे दिल में बनी। प्लीज माइंड ना कीजिएगा, ये गलत आदतें बनी हुई हैं, यानी प्रोकास्टिनेट कर रही हैं। ये सुबह नहीं उठते, ये यानी आते हैं वो, यानी आपको मैं एक एज अ यूनिट के तौर पे कह रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है कि आप सुबह नहीं मैं उठता, और दूसरा कि मैं झूठ बोलता हूँ, और तीसरा ये मैं ये करता हूँ। तो इसका तरीका, पुरानी आदतों को जो बदलने का तरीका है, उसका तरीका ये है कि आप एक अच्छी आदत को दरमियान में घुसा दें, यहाँ से धक्का देके ना यहाँ कहीं से घुस जाए। ठीक है, अब ये थोड़ी सी बुरी आदत परे हो जाएगी ना, और ये इधर से भी परे होगी, उधर से परे। एक वक्त आएगा कि धक्का लगेगा तो वो जो आखिरी वाला है वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा, और एक अच्छी आदत आ जाएगी, फिर एक दूसरी आदत यहां से घुसाएं। मैं इसका प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं। आप सुबह नहीं उठती, और हालांकि आपका दिल करता है सुबह उठ के वॉक करें, बड़ा जबरदस्त होता है। सुबह नमाज भी पढ़ लेती हैं, लेकिन फिर सो जाती हैं। तो नमाज भी पढ़ें, सुबह वॉक भी करें, और सुबह सुबह बैठ के ना अपना सारा काम कर लिया। अब ये आदत आपको नहीं आती। अब घुसाने का तरीका यह है कि आप अलार्म लगाएं, और साथ ना अपनी अम्मी को यह कहें कि अगर मैं फर्ज करें 5 बजे ना उठी ना, आपने मेरे ऊपर पानी डाल देना। और आपकी बहन साथ सोती है, उसने कहना कि आपने ना मेरी चुटिया जोर से खींचनी है। अच्छा, और फिर अपने आप को एक जुर्माना लगाएं, कि और जुर्माने जबरदस्त लगाएं, जुर्माना इस तरह का यूजफुल जुर्माना लगाएं, अगर मैं सुबह ना उठी तो मैं उस दिन 100 नफल पढ़ूंगी, और साथ में ना 500 रुपया सदका करूंगी। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर 1000 रुपए में और 200 नफलों के अंदर आप सुबह उठना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा माइंड जो है ना, वो हमारा नौकर है। प्लीज आप याद रखिए, आप आज इसको तजुर्बा कीजिएगा, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। रात को सोते हुए कहिएगा, यार सुबह मौसम बड़ा खराब है, पता नहीं मुझे दफ्तर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ना ही जाऊं तो अच्छा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी तबीयत खराब सी है, वैसे भी तबीयत सुस्त सी है, पसीना बढ़ा रहा है, रात को बिजली भी चली गई थी, सुबह पता नहीं मैं दफ्तर जाता हूं कि नहीं जाता। आपका दिमाग ये कहेगा, ओके मास्टर, आई विल मेक सम अरेंजमेंट। तो थोड़ी देर के बाद आपकी ना कमर में वो दर्द कर देगा, या कोई ऐसा आपको ना अजीब सा कोई एक कर देगा, सुबह आपको उसे सुलाता रहेगा, एक्चुअली वो आपके ऑर्डर ओबे कर रहा है, और सुबह एक ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर देगा कि वो आप कहेंगे हाँ मैं सही कहता था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के से, मैं यकीन करें, जस्ट नॉट अ ड्रामा। और आप रात अपने दिमाग को ये कहें, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, at 8:00 आई हैव टू बी इन माई ऑफिस, मैंने हर सूरत अपने दफ्तर में 8 बजे होना है। आपका दिमाग तो, और नौकर है आपका, ओके बॉस, वो ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर देगा, वो आपको 10 बजे आपको नींद, आपका माइंड को शट करके 10 बजे सुला देगा, आपको आपके पोस्चर को इस तरह कर देगा कि जिसके ऊपर स्ट्रेच नहीं पड़ेगा, सुबह खुद ब खुद आपको जगा देगा, सुबह उठेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे, और खुद आपके जहन में डालेगा कि उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यह कि जो प्रोकास्टिनेशन है ना, लोग ये जो मैं सुस्ती तो मैं कैसे, भैया एक बुरी आदत है, आप सिगरेट पीते हैं, मैं सिगरेट पीना कैसे छोड़ूं, ये छोड़ दें, एज सिंपल एज दैट, ना पिए, उठा के डब्बी फेंक दें। सवाल ये कि डब्बी फेंकी नहीं जा रही, डब्बी फेंकी नहीं जा रही की रीजन ये है कि जो उसके ऑल्टरनेट अच्छी आदत है उसको जबरदस्ती अपने ऊपर इंपोज कीजिए, और उसको जब आप रिपीटेड, जब पहली दफा आप सोट के वॉक करेंगे ना, आपको क्या मुसीबत है कि अगले दिन फिर क्या, तीसरे दिन वो फिर आपके, तीसरे दिन तो नहीं, महीना एक करती रहेंगी तो वो आपके नए हैबिट पैटर्न का हिस्सा बन जाएगा। अब आप जब सुबह नहीं उठेंगी ना, आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो किसी भी बुरी आदत को हटाने का यही तरीका है कि आपको जबरदस्ती नई आदत को रिप्लेसमेंट के तौर पर अंदर घुसाना पड़ता है, और उसके इर्द गिर्द इस तरह के टैग लगाने पड़ते हैं कि जिसे मैंने कहा, ये नफलों वाला बड़ा जबरदस्त तरीका है,
अगर आप सिगरेट पीते हैं ना तो आपके यहां सिगरेट नहीं मैं छोड़ता। आप में से कितने लोग स्मोकर हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, यू आर शाय। अभी एक हाथ उठेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। ओके, एक, दो, तीन, देखा, चार। बारिश का कतरा गिरता है ना, हाँ, आंख से एक अश्क टपका था, छिड़ गया फिर तो सिलसिला जैसे। तो वैसे तो मैं ये भी मेरा शेर है। अच्छा, तो मैं ये आपको ईयर्स कर रहा हूँ कि जैसे आप स्मोकिंग हैं तो अपने ऊपर जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, एक जुर्माना लगा दें कि ठीक है मैं सिगरेट नहीं छोड़ता, लेकिन जिस दिन एक सिगरेट पीऊंगा उस दिन मैं 100 नफल पढ़ूंगा। इंशाल्लाह 3-100 नफल पढ़ के आपकी सिगरेट छूट जाएगी सारी, इंशाल्लाह। ओके, देखो बेटा इसका तो कोई हल नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जन्नत का सौदा जो है ना वो खुशी का सौदा है, कोई आपको रस्सी से बांध के घसीट के जन्नत में नहीं ले जा सकता। आपके अच्छे बनने का सौदा आपके अपने फायदे का सौदा है। अगर आप तय कर लें कि मैंने तो कबूल नहीं करना, तो आपके, देखो बेटा ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना, और अल्लाह पाक ने हमसे आखिरत में जो सवाल पूछने हैं वो इसीलिए पूछने हैं कि हमें चॉइस की एक्सरसाइज दी गई है। और अल्लाह ताला ने नेक जब से दुनिया पैदा की है, नेकी और बदी, हक और बातिल, सच और झूठ, गलत और सही हमारे सामने पेश कर दिया। आखिर अंबिया कराम सलातुल्लाम का जो सिलसिला जारी किया वो इसीलिए किया कि हमें ये बात बताई जाए कि ये सही है ये गलत है। लेकिन कोई आदमी जिद करके ये कहना शुरू कर दे कि नहीं मैंने तो गलत को ही अडॉप्ट करना है, तो फिर चाहे आपके सीईओ जो मर्जी करते रहे। आपने देखा होगा कि खासतौर पर ये बच्चियों के साथ हीनियस क्राइम्स के मुजरम थे, ये पिछले दिनों बड़े वाकयात हुए थे ना, कसूर में भी एक वाकया हुआ था, वो जिस बंदे को पकड़ा है वो उस जुर्म में जेल गया, वहां उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, वहां उनकी सजाएं दी गई, जब उसको छोड़ा एक हफ्ते बाद उसने फिर वही जुर्म किया। और हर बंदा 6-6 दफा इसी जुर्म के अंदर अंदर गया हुआ है। अब वो जिस बंदे ने अपने मिजाज को ये बनाया हुआ है तो फिर तो मुमकिन नहीं है ना, ये तो हमारी अपनी चॉइस है। और वो जो बात मुझे बार बार वो बुजुर्गों की कही याद आती है कि जन्नत का सौदा खुशी का सौदा है, आपको रस्सी से बांध के कोई जन्नत में घसीट के नहीं ले जा सकता, आपकी अपनी एक ख्वाहिश होगी तो फिर होगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर।